और महाराष्ट्र में बीजेपी की कोएलिशन सरकार बनते ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पंख लग गए हैं। केंद्र सरकार ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड स्टेशन और टनल बनाने के लिए बिड्स मंगवाए हैं और सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा कर लिया जाए। ईडी नाउ स्वदेश की खुशबू तिवारी ने बीकेसी स्टेशन से ये रिपोर्ट फाइल की है, चलिए देखते हैं। अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जो नई बुलेट ट्रेन बन रही है उसका एक और एक मात्र अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो लगभग इसी इलाके में बनने वाला है। बीकेसी का जो हाई स्पीड रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड बनेगा उसके लिए बोलियां मंगाई गई हैं, बिट्स मंगाई गई हैं। 6 प्लेटफॉर्म होंगे इस नए अंडरग्राउंड स्टेशन के और एक तरफ एमटीएनएल बिल्डिंग की तरफ उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा और दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा मेट्रो लाइन 2B की तरफ। और इसी के साथ उम्मीद भी जारी है कि जल्द से जल्द इस पे काम चालू होगा। जितना भी लैंड मोनेटाइजेशन है अधिकारियों के मुताबिक वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, 80-90% के आसपास, और ये उम्मीद जागी है कि जल्द से जल्द लोगों को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी। इसी के साथ महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर आ गया है। बीकेसी स्टेशन पर जो सुविधाएं प्लान की जा रही हैं, उसमें सिक्योरिटी, टिकटिंग, वेटिंग एरिया, बिजनेस क्लास लाउंज, नर्सरी, रेस्ट रूम, स्मोकिंग एरिया और रिटेल स्पेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये ऐलान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में अब तक महाराष्ट्र में कई अड़चनें आ रही थी। और सीएम की कुर्सी पर सत्ता पलट होने की ठीक बाद से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की जोड़ी ने इस काम में तत्परता लाने की बात कही है। 508 किलोमीटर लंबे इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन होंगे और रफ्तार होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 स्टेशन गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 90% जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है और महाराष्ट्र की ओर से भी अब इसमें तेजी आई है। गुजरात में लगभग 99%, दादर एंड नगर हवेली में 100% और महाराष्ट्र में 72% के आसपास ही जमीन अधिग्रहण हुआ है। प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में कुल 384 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 155 किलोमीटर और दादर नगर हवेली में 5 किलोमीटर की जमीन की जरूरत है। गुजरात की ओर से इस प्रोजेक्ट में तेजी से काम हो रहा है। अप्रैल में केंद्र की ओर से दिए गए एक अपडेट के मुताबिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2027 का नया लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहला लक्ष्य 2023 था, लेकिन जमीनी मुकदमों से लेकर कई अन्य कारणों से टाइमलाइन आगे बढ़ाई गई है। वहीं गुजरात में पहला ट्रायल 2026 में किया जा सकता है जो अहमदाबाद से बिलीमोरा सेक्शन के 50 किलोमीटर स्ट्रेच पर होगा। गुजरात में अहमदाबाद का साबरमती रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार है। दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बिलीमोरा, बड़ोदरा, आनंद, वापी, सूरत, भरूच के रेलवे स्टेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के बीच आने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसी नदियों पर पुल का निर्माण कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। सितंबर 2017 में जब प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी तब इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आका गया था, पर अब देरी और अन्य कारणों के चलते इसकी लागत बढ़ेगी। हालांकि NHRCL की ओर से बढ़ी हुई लागत का आंकलन अभी साझा नहीं किया गया है, पर महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 जुलाई को मुंबई में राज्य में निवेश को लेकर जापान के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। गौरतलब है कि जापान से महाराष्ट्र के अन्य कई प्रोजेक्ट जैसे ट्रांस हार्बर लिंक रोड और मेट्रो के लिए भी निवेश मिलेगा। महाराष्ट्र में सत्ता पलट के साथ ही इसका ऐलान किया गया कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उस पर दोबारा तेजी से काम होगा और इसी के मद्देनजर लोगों में ये उम्मीद भी जागी है कि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो कुछ ही सालों में लोगों के सामने देखने को मिलेगा, जिससे अहमदाबाद और मुंबई के बीच का जो ट्रैवल का टाइम है वो 50-60% तक कम हो जाएगा। यानी लगभग केवल 3 घंटे में ही ये पूरा सफर पूरा किया जा सकेगा और जो 12 स्टेशन लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में उसमें से एक स्टेशन यहाँ होगा। खुशबू तिवारी, ईटीना स्वदेश।